लोकोमोटिव के बीच में, और 20 मिनट के खेल के दरमियान सुनने पूछने की बात पर चुटते हुए अब इसे फैसला टगोयकर के द्वारा लिया जाएगा। और अब देखने वाली बात रहेगा कि आज का जो फाइनल मुकाबला बमगसा के मैदान में कौन सा टीम ले पाती है। चलिए पहला पेनल्टी किक लेने के लिए तैयार लोकोमोटिव के खिलाड़ी, हाँ इसी के साथ 1-0 की बढ़त बना चुकी है। जयराम से 7 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी पेनल्टी की लेने के लिए तैयार होते हुए, और इससे पहले जब पेनल्टी की हुई थी लोकोमोटिव की तरफ से जो एक गोल की बढ़त बनाई हुई है, अब देखना होगा जयराम एफ सी की तरफ से अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण गोल दागने में कमाए वो पता है कि नहीं। लंबी दूरी से पेनल्टी शूट आउट करने के लिए तैयार 11 मैप से, चली जमीनी शॉट और इसी के साथ 1-1 की बराबरी करने में कामयाब होती हुई 11 मैप से। चलिए बहुत खुशी की बात है, हमारे 4 दिवसीय वार्षिक फुटबॉल एवं खेलकूद प्रतियोगिता 2023 आयोजित किया जा रहा है खैरपाल की तरफ से, दिनांक 21, 22, 23 एवं 24 सितंबर 2023 को, और इसमें जो प्रवेश शुल्क रखी गई है फुटबॉल प्रतियोगिता का के लिए प्रवेश शुल्क 4,001 रुपये मात्र, और टीमों की मांग जो रखी गई 48, और पुरस्कार इस प्रकार रहेगा प्रथम पुरस्कार 101,111, प्रथम पुरस्कार 101,111, और द्वितीय पुरस्कार रहेगा रखी गई है 71,111, और तृतीय पुरस्कार रखी गई है 41,001 रुपया, और चतुर्थ पुरस्कार रखी गई है 14,15,000, और उसके साथ 40+ के लिए भी बहुत खुशी की बात है, 40+ के लिए खिलाड़ियों के लिए 8 टीम की मांग रखी गई है, और उसमें से 2 का सीट 2,500 रुपया जाएगा, और 40+ का जो एंट्री फीस रहेगा 3,500 रुपया। और इसी के साथ 11 एफ सी के खिलाड़ी गोलकीपर बॉल को सेव करने में कमाई होती हुई, और देखना होगा 11 एफ सी के खिलाड़ी गोल किक लेने के लिए तैयार, और अगर यहाँ पे गोल करने में कमाई होती है तो निश्चित दूर से 11 एफ सी 2-1 की बढ़त बनाने में कमाई हो पाएगी। जयराम एफ सी के खिलाड़ी
गोल की करने के लिए तैयार। इसी के अंदर सीधा गोल पोस्ट पर डालने में कमयाब होती हुई 11 मैच से और 2-1 की मजबूत बढ़त के साथ अपना टीम को बनाए हुए हैं 11 मैच से। और चलिए जो खैरपाल की तरफ से जो 4 दिवसीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता के साथ में वॉलीबॉल का भी आयोजन किया गया है, वॉलीबॉल खेल का, जिसमें जो प्रथम पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा 7,000 रुपया और द्वितीय पुरस्कार रखा गया है 4,000 रुपया। आज का जो एंट्री फीस है 1,000 रुपया। हमारे फुटबॉल खेल प्रेमियों के साथ साथ वॉलीबॉल खेल प्रेमी अगर यहाँ बामे बसा मैदान में अपना दर्ज कराए हैं तो ध्यान देंगे खैरपाल की तरफ से वॉलीबॉल खेल का आयोजन किया गया है। प्रथम पुरस्कार 7,000 और द्वितीय पुरस्कार 4,000 रुपया। और उसके साथ साइकिल रेस का आयोजन किया गया है, इसमें प्रथम पुरस्कार 5,000 और द्वितीय पुरस्कार 8,000 रुपया। अच्छा, चलिए मैदान के बीचों बीच ले चलते हैं और इतने शानदार तरीके से नेट को गोल पोस्ट को उलझाने में कामयाब होते हुए लुकुंगुटू के खिलाड़ी। और इसी के साथ 2-2 की बराबरी पर बनी हुई है। आप देखना होगा आप अंतिम जो पेनल्टी शूट आउट है, अगर इसमें हमारे 11 में एफसी के खिलाड़ी गोल करने में कामयाब हो पाती है तो निश्चित रूप से बामे बसा का फाइनल मैच के लिए विजेता खिलाड़ी विजेता टीम के थ्रू में हमारे बीच ऊपर के सामने आएगी। आप अंतिम किक देखने वाली बात रहेगा और यहाँ पर किक लेने के लिए जाती हुई 11 एफसी के खिलाड़ी 12 नंबर, ये अंतिम शॉट रहेगा। अब यहाँ पे अगर गोल करने में कमियाँ होती हो पाती है तो इस बार इस साल का चैंपियन हमारे बॉम्बे बसा के मैदान के बीचों बीच देखने को मिलेगी। इसी के साथ गोलकीपर गोल को बचाने में कामयाब होती है। बहुत रोमांचक मुकाबला खेल के दरमियान दोनों टीम शून्य शून्य के बराबरी पर छूट के पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से फैसला लिया जा रहा था, लेकिन पेनल्टी शूट आउट में भी 2-2 की बराबरी लुकुंगुटू के गोलकीपर बालक बालिका सेकोर सिंगल गुप्त अनुसार सुई धागरिया रेस को रिके के नंबर 21, 22, 23 और 24 सितंबर का बिटा जून के पर। चलिए अभी 3-3 पेनल्टी शूट आउट ड्रॉ होने के बाद साधन डेथ के द्वारा इसका फैसला लिया जाएगा। गोलकीपर खुद गोल किक देने के लिए तैयार। और इसी के साथ नगेंद्र दास के द्वारा बॉल को बाहर निकालने में कमयाब होते हुए बचाने में कमयाब होते हुए अब देखना होगा हमारे 11 एफसी के टीम की तरफ से जो महत्वपूर्ण पेनल्टी किक मारने के लिए अपना कौन सा खिलाड़ी को भेजेंगे। ये बहुत चली के साथ खुद गोलकीपर नगेंद्र दास 11 एफसी की तरफ से गोल किक लेने के लिए जाते हुए। और अगर हमारे 11 एफसी की तरफ से ये गोल अगर हो पाती है गोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस साल का चैंपियन के रूप में हमें देखने को मिलेगी। चली के साथ हमारे आंखों देखा सुनाने के लिए पुनः मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कमल चंद महोदय। चलिए यहाँ पे भी सुना लुकुंगुटू के गोलकीपर इतना रोमांचक मुकाबला मानो ऐसे लग रहा है कि वर्ल्ड कप का फाइनल जो है देखने को मिली थी। खेल के दौरान
दो होने के बाद जो पेनल्टी शूट आउट जो चली थी वर्ल्ड कप के मैच में, लोगों को ऐसे लग रहा है हमारे बॉम्बे भाषा के मैदान में आप देखना होगा दोनों टीम के खिलाड़ी कमजोर, अपने आप को कमजोर न समझते हुए अगला जो क्या रणनीति अपनाते हैं हमारे लुफुमुटु के खिलाड़ी। चलिए लुफुंगुटु YFC लुफुंगुटु के खिलाड़ी गोलकीपर करने के लिए तैयार। चलिए इसी के साथ यह भी गोल करने के नाकाम होती हुई तुरंत वहां से टकरा कर गोल से भी बाहर निकल गई है। देखना होगा अब हमारे 11 के खिलाड़ी अपना नया गोल दागने के लिए कौन से खिलाड़ी को पेनल्टी शूट आउट करने के लिए भेजते हैं, ये देखने के लिए बात रहेगी। और चलिए आज का नया पेनल्टी शूट आउट लेने के लिए जाते हैं जयराम एफसी 10 नंबर खिलाड़ी। तीन पेनल्टी शूट आउट दो होने के बाद ये पांचवा शूट आउट है, पांचवा पेनल्टी शूट आउट है और पहले से लुफुंगुटु की टीम गोल करने में नाकाम हुई है। तो देखना देखने वाली बात रहे कि जयराम एफसी के खिलाड़ी अगर यहाँ पे गोल करने में कामयाब हो पाती है। क्रॉस वॉल से पकड़ा कर बिल्कुल मैदान के बाहर बहुत जल्दी हुई। पांच पेनल्टी शूट आउट के बाद भी दोनों टीम बनी हुई है मैच में। तो साथ में वॉलंटियर ध्यान देंगे जो बॉल बॉयज है सर बाहर चली गई है, कृपया करके जल्द से जल्द बॉल उपलब्ध करा देंगे। चलिए पांच पेनल्टी दो होने के बाद छठा पेनल्टी लेने के लिए तैयार लुफुंगुटु की तरफ से और गोलकीपर पूरी अपना ताकत झोंक देते हैं बॉल को बचाने के लिए, लेकिन गोल करने में कामयाब होती हुई लुफुंगुटु के खिलाड़ी। चलिए जितने भी प्राइज के हकदार
टीम बने हुए हैं, कृपया करके हमारे कमेटी परिवार चैलेंज में कैच करेंगे। 40+ से बुरे हारा वाले तसर और साथ में एक एस सी बॉम्बे पोखा 40+ के दोनों टीम जो प्राइज के हकदार बने हुए हैं, बुरे हारा वाले तसर और साथ में एक एस सी बॉम्बे पोखा दोनों टीम के टीम कैप्टन एवं टीम मैनेजर हमारे कमेटी परिवार में चैलेंज में कैच करेंगे। और इसी के साथ जयराम एफ सी के खिलाड़ी पूरा पेनल्टी शूटआउट लेने के लिए तैयार। चलिए इसी के साथ ड्रॉ करने में पुनः कामयाब होते हुए जयराम एफ सी और पुनः गोल किक लेने के लिए अपना खिलाड़ी को भेजेंगे हमारे लुपुंगुटे के खिलाड़ी टीम। अब देखना होगा कहां तक अपने टीम के लिए गोल कर ले जाते हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। अभी तक देखा जाए तो दोनों टीम के खिलाड़ी कम नहीं अपने आप को, जो तीन तीन पेनल्टी शूटआउट के दरमियान भी ड्रॉ होकर के अभी जो सरेंडर चल रही है और अभी तक दोनों टीम बनी हुई है अपना टीम को चैंपियन बनाने के लिए। अभी पुनः पेनल्टी किक लेने के लिए तैयार हुए एफ सी लिपुंगुटु के खिलाड़ी। और इसी के साथ बचाने में कामयाब होती हुई हमारे जयराम एफ सी के गोलकीपर दोनों टीम के खिलाड़ी कम नहीं है जो पेनल्टी शूटआउट को बार बार बचाने में कामयाब होती है। अब देखने वाली बात है, बात रहेगा कि हमारे कुयासी लिपुंगुटु के गोलकीपर अगर यहाँ पर भी अगर गोल को बचाने में कामयाब हो गई है तो निश्चित रूप से पुनः अगला पेनल्टी शूटआउट लेने के लिए भी तैयार रहना होगा कुयासी लिपुंगुटु को। और यहाँ पर अगर जयराम एफ सी के 11 नंबर खिलाड़ी के गोल दागने में कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से आज के मामले हो सकते हैं कि ऐतिहासिक मैदान में आज का जो विजेता टीम के रूप में हमारे सामने उभर कर आएंगे जयराम एफ सी। लेकिन यहाँ पे विजेता टीम बनने से पहले यहाँ पर गोल करना बहुत जरूरी है और सडन डेथ की आज का जो पेनल्टी शूटआउट में 11 नंबर खिलाड़ी किक लेने के लिए इसी के साथ ये भी गोल चलेंगे आउटलाइन से बाहर। गोल मिला की है छठा पेनल्टी शूटआउट था ये भी बाहर जाती हुई। और हमारे दर्शक मैदान में बने हुए हैं आज का जो चैंपियन टीम को देखने के लिए। जहां लगता है कुछ देर हम दर्शकों को भी तरसना पड़ेगा क्योंकि खेल के दरमियान जो सुने सुने की बराबरी पर छुट्टी हुई थी और पेनल्टी शूटआउट के दरमियान भी कोई निर्णय अभी तक कोई नतीजा अभी तक आई नहीं है, इसीलिए कुछ देर तक हमारे दर्शकों को बने रहना होगा। तो आज का चैंपियन का टीम जगह देखना चाहते हैं तो लुपुंगुटु के खिलाड़ी शानदार तरीके से गोल को नेट गोल जाने में कामयाब होती हुई। सडन डेथ में हमारे लुपुंगुटु की टीम गोल करके टीमें बनी हुई है। चलिए जयराम एफ सी 1-0 से टिकती हुई नजर आ रही है सडन डेथ में।
चले दो नंबर खिलाड़ी किक लेने के लिए तैयार जयराम एफसी। और इसके साथ पेनल्टी शूटआउट में बिल्कुल बाहर मार दिए हैं जयराम एफसी के खिलाड़ी। और इसी के साथ आज का जो विजेता टीम के रूप हमारे सामने उभर कर आए हैं